हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 9 का लेक्चर नंबर 2, और इस चैप्टर का भी लास्ट लेक्चर है ना। तो चैप्टर नंबर 2 दो ही लेक्चर थे इसके अंदर, एक डायुरेटिक और एक एंटी डायुरेटिक। अब डायुरेटिक अगर हमें पता है क्या होता है, तो एंटी डायुरेटिक मतलब हमको एक्स्ट्रा यूरिन जो बन रही है उसको रोकना है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा नहीं है इसमें पढ़ने के लिए। तो एंटी डायुरेटिक क्या होते हैं, मोर प्रिसाइसली एंटी हम लोग इसे एक्वारेटिक्स भी कहते हैं, ठीक है, एंटी एक्वारेटिक्स, बिकॉज दे इनहिबिट वाटर एक्सक्रीशन विदाउट अफेक्टिंग साल्ट एक्सक्रीशन, ठीक है ना। पानी को कम कर देंगे और साल्ट जो निकलता है वो निकलता रहेगा अपना। आर ड्रग दैट रिड्यूस यूरिन वॉल्यूम, यूरिन का वॉल्यूम कम हो जाता है, पर्टिकुलरली इन डायबिटीज इंसिपिडस, है ना, जब पेशाब बहुत ज्यादा आ रही होती है डायबिटीज इंसिपिडस में, विच इज देयर प्राइमरी इंडिकेशन, ठीक है ना। ओके, क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहां पर दो तीन कैटेगरी में तोड़ा गया है इसको, ठीक है। एक है एंटी डायरेटिक हार्मोन, नाइट्रिएट्रिक। अब तुम लोगों को लगेगा ये तो डायरेटिक्स आ गए, एंटी डायरेटिक्स में डायरेटिक्स कैसे कर रहे हैं, तो अभी हम देखेंगे किस तरह से काम कर रहे हैं ये। देन मिसलेनियस, ये कुछ मिसलेनियस है। तो देखो यहां पर एक जो चीज बहुत वो चीजें करवा रहा हूं जो बहुत ज्यादा आने की संभावना है। सबसे पहली चीज वैसोप्रेसिन, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो इसको, इसके बारे में पता होना चाहिए। इसको हम लोग एंटी डायुरेटिक हार्मोन भी कहते हैं जो हमारी बॉडी में नेचुरली बनता है। अब देखो द ह्यूमन एंटी डायुरेटिक हार्मोन, एंटी डायुरेटिक हार्मोन इज 8-आर्जिनिन वैसोप्रेसिन, AVP, ये इसका दूसरा नाम हो गया, 8-आर्जिनिन वैसोप्रेसिन, विच इज अ नॉन पेप्टाइड सिक्रेटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, न्यूरोफाइसिस अलॉन्ग विद ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन के साथ साथ हम लोग, मतलब ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, ये ना दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से, जानते हो इस बात को, काफी टाइम पहले से पढ़ रहे हो। तो मेन चीज क्या है, इसका नाम, ठीक है। अब आते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन। तो जनरली देखा जाए तो जो एवीपी होता है, ठीक है, ये क्या करता है, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यूट्रस जो होता है फीमेल के अंदर उसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा। किडनी की बात करें तो एवीपी एक्ट ऑन प्रिंसिपल सेल्स इन द कलेक्टिंग डक्ट, सीडी मतलब कलेक्टिंग डक्ट, टू इंक्रीज देयर वाटर परमेबिलिटी, वाटर की परमेबिलिटी को बढ़ा देगा। वाटर फ्रॉम द डक्ट ल्यूमेन डिफ्यूजेस टू द इंटरस्टीशियम। अब वहां से क्या होगा, जो पानी ट्यूब के अंदर बना हुआ था वो वापस से निकल के इंटरस्टीशियम में आ जाएगा। अब इंटरस्टीशियम क्या होता है, वो किडनी, ऐसा मान लो कि जो ट्यूब था उससे निकल के वापस किडनी के अंदर आ गया, यानी कि हमारी बॉडी में आ गया, ठीक है ना। इंटरस्टीशियम वर्ड वो लोग बेटर समझेंगे जो लोगों ने पढ़ लिया होगा, क्या किडनी का रिवीजन कर लिया होगा, ठीक है, नेफ्रॉन का। सीएनएस की बात करें तो एक्सोजीनसली एडमिनिस्टर्ड एवीपी, जो बाहर से दिया जा रहा है, डज नॉट पेनिट्रेट ब्लड ब्रेन बैरियर। अब जब ब्लड ब्रेन बैरियर को घुसा ही नहीं उसके अंदर, तो फिर ऑब्वियसली बात है ब्रेन के ऊपर कोई इफेक्ट करेगा नहीं। एवीपी मे बी इन्वॉल्व्ड इन रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ये बॉडी के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है ना। डायुरेटिक थायजाइड पैराडॉक्सिकली, अब देखो ये थायजाइड्स क्या है, डायुरेटिक्स है, थायजाइड क्या है, डायुरेटिक्स है। अब पैराडॉक्सिकली, पैराडॉक्सिकली मतलब एकदम अपने काम के उलट, एग्जर्ट एन एंटी डायुरेटिक इफेक्ट इन डायबिटीज इंसिपिडस, जिनको डायबिटीज इंसिपिडस है ना, डायबिटीज है, वो भी पिट्यूटरी ओरिजिन, जो अपने है ना पिट्यूटरी ओरिजिन, मतलब कि हार्मोन्स की वजह से है, तो उसके अंदर जो हार्मोनल वाली पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से जो है उसके अंदर ये लोग एंटी डायुरेटिक का काम करते हैं। डायुरेटिक वाली ड्रग्स एंटी डायुरेटिक का काम करती हैं, ठीक है। बाद में उसको हम ट्रेन देंगे, मेन कहीं ना कहीं फार्माकोलॉजिकल एक्शन इसी के ही है और एक इसका है। तो क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट आ सकता है, राइट डाउन द फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ वैसोप्रेसिन या ADH। तो इसमें बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, ये 4-5 पॉइंट लिख देंगे इसके अंदर। डोज एक्वस वैसोप्रेसिन, ठीक है, इंजेक्शन है 10 यूनिट इंजेक्शन फॉर IV, IM और सबक्यूटेनियस, ठीक है ना, तीनों तरीके से दिया जाता है। लाइप्रेसिन की बात करें 10 IU, IM, सबक्यूटेनियस 20 IU, डाइल्यूटेड इन 100-200 ml ऑफ डेस्टोर सॉल्यूशन, यानी कि उसके अंदर डाल देंगे ड्रिप के अंदर। तो ये अपने पास मेन है। टर्लीप्रेसिन 2 mg IV है, डेस्मोप्रेसिन इंट्रानेजल, नाक से दिया जाता है एडल्ट 10-40 microgram पर डे इन 2-3 डिवाइडेड डोज के अंदर, ठीक है ना। तो मेन याद कर लेंगे इसके अंदर, इसकी डोज पक्का याद कर लेंगे। इंडिकेशन की बात करें तो डायबिटीज इंसिपिडस में इस्तेमाल किया जाता है, बेड वेटिंग इन चिल्ड्रन एंड नॉक्टूरिया इन एडल्ट, जो बच्चे लोग है ना सोते सोते पेशाब कर देते हैं ज्यादा, या जिन लोगों को रात में पेशाब बहुत आती है एडल्ट में, है ना, बहुत ज्यादा पेशाब आती है, तो हमें पेशाब को रोकना है, एंटी डायुरेटिक है।
रीनल कंसंट्रेशन टेस्ट करना है हमको, हीमोफीलिया है, वॉन विल्बर्ट डिजीज, एवीबी मे चेक ब्लीडिंग बाय रिलीजिंग कोगुलेशन फैक्टर 8 एंड नॉन विल्बर्ट फैक्टर, ठीक है ना। अब ये विलब्रांड फैक्टर्स तो उम्मीद है जो हम लोगों ने हीमोफीलिया वाला पार्ट पढ़ा था, हीमोपोएटिक वाला पार्ट, यानी कि ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में, ठीक है ना, तो वहां से निकल के आया हुआ है, तो बस इतना याद रख लेना हीमोफीलिया में काम आता है ये, ठीक है ना। मे चेक ब्लीडिंग, ब्लीडिंग को चेक कर सकता है, रोक सकता है, इतना याद कर लेंगे, ठीक है ना। नाउ कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें अगर हम लोग, तो अगेन हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन में थोड़ा सा देख के देना पड़ेगा, इस्केमिक हार्ट डिजीज है, क्रोनिक नेफ्राइटिस है, नेफ्राइटिस यानी कि इन्फेक्शन हो रखा है नेफ्रॉन का, अर्टिकेरिया है, अर्टिकेरिया स्किन के रैशेस वगैरह जो प्रॉब्लम रहती है, साइकोजेनिक पॉलीडिप्सिया है करके, ठीक है ना। तो ये तीन चार तरह की बीमारियां हैं जिसके अंदर हमको इसको थोड़ा सा देख करके, या यूं कह लो कि दवाइयां ना दी जाए तो जीआरई ज्यादा बेटर, मतलब कि मान लो ये बीमारी भी है और दूसरी बीमारी भी है जिसके अंदर दवा देना चाहते हैं, लेकिन अगर जीआरई बीमारी भी है तो दवा ना दी जाए तो ज्यादा बेटर है, ठीक है ना। कॉन्ट्राइंडिकेशन तो पता ही है, ठीक है ना। तो बहुत छोटा सा लेक्चर था ये, ठीक है, इसमें कुछ था ही नहीं, तो फिर से मैं कहूंगा बेटा अब चैप्टर नंबर 9 तक हम लोगों का खत्म हो चुका है, चैप्टर नंबर 10 भी ऑलमोस्ट रेडी है, आ जाएगा, ठीक है। तो इसका ध्यान रखें, रिवीजन करते रहें, चैप्टर नंबर 2 से लेकर 9 पकड़ लो, अब एकदम पढ़ने का तरीका पता है, 2 से लेकर 9 को एकदम घोट के क्लासिफिकेशन वगैरह, ठीक है ना, एकदम पढ़ डालो एकदम वो, ठीक है। और मेरा नंबर, नोट्स का लिंक, प्लस ये अपना ऐप, और सबसे जरूरी बात रिवाइज जरूर करते रहो, ठीक है। रिवीजन करोगे तो बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे, ठीक है। फार्माकोलॉजी 2 से चैप्टर नंबर 2 से लेकर 9, यही थोड़े से टफ चैप्टर, टफ क्या है इसमें याद करने वाला है, तो इनको अच्छे से पढ़ो, ठीक है ना। तो पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, ऑल द बेस्ट।